पंखा बंद करो, पंखा बंद। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड सी एस विस्ट वाइन्स जैसा कार्टून्स वीडियो आप लोग कैसे बनाओ। सो फ्रेंड यहाँ पे व्यूज भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड 564 व्यूज है और बाकी वीडियो पे भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड 444 व्यूज, यानी फ्रेंड काफी तगड़ा व्यूज आ रहा है। सो गाइस, अगर आप लोग कार्टून्स वीडियो अगर आप लोग अपने फोन से इस तरह बनाना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। मैं फ्रेंड आप लोग को बताऊँ कि आप अपने फोन से कार्टून्स वीडियो कैसे बना पाओ। और एक कार्टूनी एक ऐसा चैनल है फ्रेंड जिसमें आप अगर अपना खुद का वॉइस ओवर करते हो, जहां पे आप अपना वॉइस चेंज करना चाहते हो तो फ्रेंड चेंज भी कर सकते हो। एंड जैसे बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि हम अपना खुद का वॉइस मतलब नहीं डालना चाहते, हम अपना वॉइस को चेंज करके डालना चाहते, तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगा फ्रेंड कि आप लोग वॉइस को कैसे चेंज करोगे ए टू जेड। इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं और लेटेस्ट वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कितना तगड़ा व्यूज आ रहा है। सब मतलब फ्रेंड एम प्लस व्यूज आ रहा है, एम प्लस। अकिन करो फ्रेंड, अगर आप लोग इस तरह के वीडियो बनाओगे तो फ्रेंड क्या होता है, इस तरह के वीडियो कौन देखते हैं, बच्चे लोग इस तरह के कंटेंट देखते हैं, जिसके कारण फ्रेंड क्या होता है वो लोग किसी के वीडियो पे भेदभाव नहीं करते, जिसके कारण फ्रेंड क्या होता है अधिक व्यूज आते एंड अच्छे खासे इनकम भी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग इस तरह के कार्टून एनिमेशन वीडियो आप अपने मोबाइल से कैसे बना पाओगे। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आप लोग को बताऊँ, फर्स्ट में जाना है फ्रेंड यहाँ से प्ले स्टोर पर। सो गाइस ये फोटो जो देख पा रहे हैं, हम ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में फेक कंटेंट वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है, जो होता है फ्रेंड जेन्युइन कंटेंट वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट में आप लोग को जाना है यहाँ से फ्रेंड प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पे जाओगे एंड गाइस यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप लोग को सर्च करना है और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है ट्विन क्राफ्ट। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे ट्विन क्राफ्ट ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है मोबाइल से कार्टून्स वीडियो बनाने के लिए। अब काफ़ी सारे भाई लोग हमें पूछेंगे कि इस एप्लीकेशन से कार्टून वीडियो बनता है, ये हमें पता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मोबाइल से कार्टून्स वीडियो यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे व्यूज भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कितना तगड़ा वाला इस पर भी व्यूज आ रहा है, जो कि फ्रेंड आप लोग अच्छे खासे यूट्यूब से पैसा अर्निंग कर सकते हो मेरे भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग व्यूज देख सकते हैं फ्रेंड कितना तगड़ा वाला व्यूज आ रहा है। अगर फ्रेंड अगर आप लोग इस तरह के कार्टून्स वीडियो बनाओगे तो हकीकत बता रहा हूं फ्रेंड यहां पे आपका जो तकदीर यहां पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड यहां पे जो ना बहुत तगड़ा वाला व्यूज आता है कार्टून वीडियो पे। किसी भी वीडियो पे क्या होता है बच्चे लोग देखते हैं तो भेदभाव नहीं करते, ठीक है। तो गाइस और मैं आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड कि आप लोग व्यूज भी कैसे बढ़ाओगे ए टू जेड, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला। तो फ्रेंड आप लोग को फर्स्ट में क्या करना है, यहां से जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाओगे मेरे भाई, उसके बाद यह एप्लीकेशन आप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत से बहुत आसान। अगर आप लोग ये वीडियो में मात्र फ्रेंड 7-8 मिनट समय दोगे ना तो मैं लिखित देता हूं कि आप लोग कार्टून्स वीडियो बनाने के लिए सीख जाओगे, ठीक है, जो कि फ्री में आप लोग के साथ में यहां पे कोर्स शेयर करा। उसके बाद में क्या करना, ट्विन क्राफ्ट जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को आप लोग को ओपन करना। सो गाइस ओपन करोगे मेरे भाई लोग, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ आएगा ट्विन क्राफ्ट, ट्विन क्राफ्ट यहां पे लिखा हुआ आएगा। एंड गाइस मैं आप लोग को एक ही वीडियो में ए टू जेड कोर्स यहां पे देना, उसके बाद यहां पे प्लस का एक सिंपल दिखाई देना, प्लस के सिंपल पे क्लिक करना। एंड गाइस यहां पे इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना, ठीक है, यहां पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे मेरे भाई, उसके बाद यहां पे आपका जो नेटवर्क है वो ऑन रहना चाहिए, आपका जो डेटा है ऑन रहना चाहिए। सो फ्रेंड यहां पे आप लोग को बैकग्राउंड मिल जाता है, यानी फिर एडिटिंग के लिए जैसे कार्टून्स वीडियो होता है ना बैकग्राउंड, तो यहां पे आप लोग को बैकग्राउंड मिल जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना मन पसंद का बैकग्राउंड लें, जैसे आप हमारा जो फोन पे बैकग्राउंड है हम उसको सेलेक्ट करें, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला। फिलहाल क्या करना, आप लोग एक को सेलेक्ट करना एंड नेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिएगा, एंड एक कैरेक्टर को भी आप लोग या तो दो कैरेक्टर को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कट कर देते, ठीक है। कट कर देने के बहुत सारे भाई लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा, हम अपना मनपसंद बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, फर्स्ट में आप लोग कैरेक्टर को इसे डिलीट कर दीजिएगा, इसे दबाइएगा एंड कैरेक्टर को इसे यहाँ से कैरेक्टर को डिलीट कर दीजिए। तो फ्रेंड कैरेक्टर जो मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है, डिलीट हो जाने के बाद बहुत सारे भाई लोग हमें कमेंट करते हैं हम अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को प्लस का एक सिंपल दिखाई देगा, प्लस वाले सिंपल पर क्लिक करना एंड यहाँ पर लिखा आएगा बैकग्राउंड। सो गाइस बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे मेरे भाई लोग, उसके बाद फ्रेंड सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, मिस्टेक हो गया, प्लस वाले पे आना एंड गाइस यहाँ पे लिखा है इमेज GLF, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड आपका जो फोन का गैलरी होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोकल पे है यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा, ये रहा मेरा बैकग्राउंड। आपका जब बैकग्राउंड आ जाएगा मेरे भाई लोग, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लॉक का सिंपल दिखाई देगा, तो यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, ठीक है, लॉक हो गया, लॉक एंड यहाँ से डन। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे मेरा मनपसंद यहाँ पे बैकग्राउंड हम लगा लिए, आप अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा लीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पे प्लस का सिंपल दिखाई, फिर से जाना एंड अब यहाँ से क्या करना, कैरेक्टर को अब हमें
ऐड करना। तो यहाँ पे लिखा है ऐड करेक्टर, ऐड करेक्टर पे जाएंगे एंड गाइस यहाँ पे आप अपना मनपसंद करेक्टर को ऐड कर लीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक करेक्टर को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड कर लिया एंड यहाँ से क्या करें, फिर से प्लस पे जाते हैं एंड गाइस यहाँ पे हमें आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर फिर से करेक्टर पे जाते हैं एंड फिर से अगेन हम दूसरा करेक्टर को यहाँ से हम क्या करते हैं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से दूसरा करेक्टर को मैंने ऐड कर लिया, चलो ठीक है, और एक करेक्टर को हम ऐड करते हैं, प्लस यहाँ से जाते हैं एंड यहाँ से ऐड करेक्टर एंड गाइस यहाँ से फिर से हम एक करेक्टर को ऐड कर लिए। तो यहाँ जैसे कि देख पा रहे टोटल मेरा यहाँ पे करेक्टर जो है फ्रेंड तीन करेक्टर मेरा ऐड हो गया। अब फ्रेंड हम बात करेंगे करेक्टर को चलते हुए एनिमेशन कैसे देना है एंड हंसाना कैसे, सब ए टू जेड फ्रेंड मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूँ। सो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहेगा, ठीक है। तो गाइस अब फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट में करेक्टर जैसे होता है ना करेक्टर को छोटा बड़ा करना, अब हम इस पर बात करें तो करेक्टर का माथे पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से करेक्टर को हम थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि देख पा मैंने थोड़ा छोटा कर दिया एंड सेव एंड डन, ठीक है, डन कर दें। अब इसको भी थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं उस करेक्टर को भी हम थोड़ा छोटा कर लें एंड सेव, इसी तरह से सेम आप लोग कीजिएगा। तो इसको भी करते हैं एंड इसको भी हम थोड़ा छोटा यहाँ से कर लेते, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो डन डन हो गया, जैसे कि देख पा रहे मैंने कैरेक्टर को छोटा कर दिया। और फ्रेंड यहाँ पे जो हमें स्टोरी या जो भी आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप कैसे करोगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमेशन कैसे देना है एंड चलते हुए कैसे बनाना, अब हम इस पर बात करने वाला, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे फर्स्ट में आप लोग नोटिस करें ये वॉइस ओवर जो लोगो है यहाँ पे ये इसका है, ये वॉइस ओवर का लोगो इसका है, तो इसके साइड में हम करते हैं एंड इसके साइड में, या तो आप लोग लाइन बाय लाइन कुछ इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन से कर दिया हूं, तो आप लोग भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहां से चलो है ना, तो आप लोग भी अपने हिसाब से लाइन बाय लाइन कर लीजिएगा। तो यहां पे हो चुका है, अब हम यहां पे बात करेंगे इसको एनिमेशन कैसे देना है एंड चल अगर आप लोग चाहते हैं इसका कपड़ा का ड्रेस वगैरह चेंज करना, तो यहाँ पे तो क्या कीजिएगा आप लोग ऐसे माथे पे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग कपड़े का ड्रेस ये शर्ट वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते, बट हम नहीं करना चाहते, रहने देते पहले जो है वही रहने देते, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको वॉइस ओवर कैसे देना है एंड एनिमेशन कैसे देना, अब हम इस पर भी डिटेल्स में हम जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और आप किस जगह से हो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अब क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ से अब यहाँ पे हम क्या करें, इस फर्स्ट में ये वॉइस ओवर करेगा, ठीक है। तो ये वॉइस ओवर करेगा तो डन, ठीक, चलो डन एंड गाइस ये लोगो है ना, ये लोगो जैसे कि देख पा रहे ये लोगो इसका है, तो ये बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डायलॉग आपका वीडियो पे मेन जो ऑडियंस रिटेंशन का खेल है, वीडियो को यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है, वो है फ्रेंड ऑडियंस रिटेंशन। स्किप मत कीजिएगा यहाँ पे, मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन, जो भी आप लोग वीडियो बना रहे हैं या स्टोरी बना रहे, कुछ आप लोग ऐसा बोलने का कोशिश कीजिएगा जिसमें फ्रेंड आपका वीडियो, मतलब जैसे फनी वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ऐसा कॉमेडी करने की कोशिश कीजिएगा कि फ्रेंड आपका वीडियो वहाँ पे छोड़ के ना जाए। जब आपका वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा तो फ्रेंड इन केस पे क्या होगा, आपका वीडियो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, जाहिर सी बात है जब आपका वीडियो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो आपका वीडियो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यूज लेके आएगा। तो आप लोग मतलब अगर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग मतलब ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग कार्टून टाइप पे स्टोरी टाइप के अगर वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई लोग, तो आप लोग यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, अच्छे बैकग्राउंड टोन ये सब आप लोगों को मतलब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आप लोग यहाँ पर आप लोग कैसे एडिटिंग करोगे। तो यहाँ पे अब हम बोलते हैं, ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं कि करेक्टर को डिलीट करना, जैसे कि ये करेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ इसके माथे पे टैप करेंगे एंड करेक्टर को यहाँ से डिलीट हम कर देंगे। तो ये हो गया, बहुत आसानी सी बात है, आप लोग तो ये आता ही होगा इतना। तो अब फ्रेंड यहाँ पे वॉइस ओवर एंड एनिमेशन कैसे देना, अब हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड, अब क्या करते हैं वॉइस ओवर हम यहाँ से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देते हैं, तो चलो कुछ भी बोल देते हैं डायलॉग यहाँ पे आप लोग, लेकिन डायलॉग कोई भी चीज़ में आ गए लिख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, हाँ इससे बोलने से मेरा वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेंगे, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी वॉइस ओवर कर देते हैं, तो बोल देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से बोल दीजिएगा यार, ठीक है। फिलहाल तो हमें डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो चाहिए अलग टाइम ना, है ना। तो यहाँ से हेलो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जैसे कि ये हो गया, हो जाने के बाद फिर यहाँ से आप लोग एक चीज़ चेक करना, एक बार आवाज़ यहाँ से सुन के देख लेना, हेलो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। तो सेटिंग वाले से यहाँ से आप लोग पिच टेम्पो, टेम्पो का मतलब ये होता है फ्रेंड किसी भी म्यूजिक को फास्ट करना स्लो करना, उसका मतलब ये होता है। उसके बाद पिच, पिच का मतलब होता है किसी का वॉइस मतलब चेंज करना नॉर्मल में रखना, तो यहाँ से हमको ठीक ठाक है, तो चलो इसको रहने देते। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर देने के बाद जैसे कि देख पा रहे ये बोला, अभी अब इसका बोलने वाला ये है, ठीक है,
इसका बोलने वाला अभी है, तो इसके माथे पे जैसे देख पा रहे इस पर टैप करेंगे। नहीं मैं तुम कहाँ रही गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं रही बाप की औलाद हूँ। तो उसके बाद डन पे यहाँ से हम क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव वाले पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से एक बार सुन के, हेलो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं मैं तुम कहाँ रही गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं रही बाप की औलाद हूँ। तो उसके बाद डन पे जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग हमें कमेंट करते कि बीच पे और कैरेक्टर को हमें ऐड कैसे करवाना है, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे यहाँ पे अब एनिमेशन अब हम कैसे डालेंगे, ठीक है। एनिमेशन जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो चलो मैं अब एनिमेशन पर हम बात करें। तो यहाँ पर अब देखना यहाँ पे एनिमेशन भी बहुत जरूरी है आप लोगों को देखना। तो यहाँ पे इसके माथे पे टैप करेंगे, अब इस पर हम एनिमेशन डाल देते, ठीक है। मतलब वॉइस ओवर करने से पहले ध्यान में रखना, वॉइस ओवर करने से पहले हमें एनिमेशन लगाना। तो अब क्या करते हैं, चलो एनिमेशन यहाँ से हम लगा लेते। तो यहाँ से क्या करते हैं, इंप्रेशन वाले पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जाएंगे एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इंप्रेशन वाले पे हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलो कुछ भी लगा लेते हैं, यहाँ से सैड या कुछ भी आप लोग नॉर्मल, यहाँ से हैप्पी, एंग्री, अप्लाई एंड डन। उसके बाद इसका भी इंप्रेशन अब हम चेंज करते हैं, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे पहले हम क्या एनिमेशन अब ये दे रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्या करें, फिर इसके माथे पे हम टैप करते हैं इस कैरेक्टर को। कैरेक्टर पे टैप करने के बाद यहाँ से फिर से जाएंगे इंप्रेशन वाले पे एंड गाइस यहाँ से क्या करते हैं, हैप्पी या एंग्री कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो विनर या हैप्पी आप अपने हिसाब से अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे डन पे हम क्लिक कर दिए एंड अब यहाँ पे हम एनिमेशन डालते हैं। इसको थोड़ा हम एनिमेशन डालते हैं, थोड़ा इसको सामने ला के रख देते हैं, ठीक है। सामने ला के रख दिए, रख देने के बाद में हाथ को स्क्रीन को इसे अपने हिसाब से जूम कीजिएगा एंड इसका हाथ जो है इसके माथे पे टैप करते हैं एंड इसको हाथ को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर दिए, कर देने के बाद आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद डन पे फिर से स्क्रीन को हाथ को ऐसे आप लोग छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत तो आसान है ना, कोई हार्ड वैसे नॉर्मल तो है नहीं, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हो गया, हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पे एनिमेशन, अब यहाँ पे वीडियो पे वॉइस ओवर करना है। तो यहाँ पे एनिमेशन हो गया है, आप सिर्फ वॉइस ओवर देंगे एंड यहाँ पे एनिमेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे अभी कंटिन्यू वीडियो पे आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें तो शादीशुदा करके बर्तन ही धोना ही। उसके बाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा मैं मतलब गर्ल का वॉइस हमें चेंज करना चाहिए बट मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, बट आप लोग कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे चलो मैं आप लोग को एक बार यहाँ से हम प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो मेरा बन रहा था या नहीं बन रहा था। डन पे एंड चलो मैं आप लोग को एक बार सुना देता हूँ यार, ठीक है, ताकि आप लोग को बिलीव हो जाएगा कि हाँ। हेलो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं मैं तुम कहाँ रही गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं रही बाप की औलाद हूँ। तो उसके बाद डन पे अच्छा चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें तो शादीशुदा करके बर्तन ही धोना ही। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि मेरा जो वीडियो यहाँ पे मतलब बन रहा है, बट आप लोग नोटिस कभी किए कि यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक हम यहाँ से नहीं लगा सकते। तो कुछ इस तरह से आप लोग और कैरेक्टर कोई स्टोरी आप लोग को याद रखना या कोई कॉमेडी याद रखना या इसी टाइप का जिसका चैनल है जिसके वीडियोज पर ज़्यादा भी हो जाता है नोटिस करना मेरे भाई, मैं आप लोग के साथ गलत वीडियो कभी शेयर नहीं करता, ठीक है। आप लोग उसको 100% सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। उसका सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस तरह के कंटेंट जो वो भाई बना रहा है उस तरह से आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से नहीं लगा सकते हो एंड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए आप लोग को चाहिए काइंड मास्टर या तो और भी एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे जैसे जूम आउट अचानक कैरेक्टर को करना। उसके बाद अगर आप लोग वीडियो को सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट, ठीक है। आप लोग को एक ईमेल आईडी मांगता है, अगर आप लोगों ने इस अकाउंट मतलब इस एप्लीकेशन ईमेल आईडी नहीं दिया तो जरूर दे दीजिएगा एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपकी ये फ़ोन की गैलरी पे जा चुका होगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्रे भाई तो जरूर एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में फेक कंटेंट वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पापा का कॉल आ चुका है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। सो फ्रेंड ये आपके फोन के गैलरी पर जाएगा एंड थोड़ा बहुत आप लोगों को काइंड मास्टर से एडिटिंग करना, जैसे कैरेक्टर को जूम आउट इधर उधर करना, तो ये आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में 100% लाऊंगा मेरे भाई। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपने वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन का फोकस जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।